यहाँ दिल्ली में आई थी, गांव से आई थी अपने पति को लेके। उनको टीवी था, डॉक्टर ने उन्हें पहले ही जब एडमिट किया तभी बता दिया था कि ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इनका एक लंग्स पूरा डैमेज हो चुका है, दूसरा भी आधा हो चुका है। पूरे एक साल वो एडमिट थे। जब वो गांव गए ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया। 2011 में उनको हुआ था और 2012 में मुझे हो गया था। कि जो मेरे साथ हुआ, काफ़ी मुश्किलें हुई डायग्नोस से लेकर ट्रीटमेंट तक, और साइड इफ़ेक्ट भी हुए, मेंटल डिस्टर्ब भी हुई। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी और को ये सब ना झेलना पड़े और सही टाइम पे सही चीज़ उससे मिले। आई एम नीरा देवी, आई एम टीवी चैंपियन। जब से मैं सपोर्ट हब ज्वाइन किया है, करीबन मैंने 250 लोगों को से मिली हूँ। हम जो टीवी चैंपियन हैं हूँ मैं काउंसलिंग करती हूँ कि आपको क्या परेशानी है, क्या नहीं है। उसके दिमाग में जो कुछ चलता रहता है वो मतलब एक फ्रेंड की तरह हम उससे बात करते हैं, और वो अपना समझ के मैं वो चीज़ें बताता है तो उसका सोल्यूशन भी निकलता है। लोगों को जानकारी नहीं है इसके ऊपर कि टीवी है क्या। टेस्टिंग और डायग्नोस बहुत ज़रूरी है टीवी के इलाज के लिए, क्योंकि अगर डायग्नोस होने में टाइम लग रहा है, जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर जल्दी ही डायग्नोस हो जाएगा कि टीवी है, उसका इलाज शुरू हो जाएगा, तो और लोगों को अपने आसपास में उसको फैलाने की क्षमता कम हो जाएगी। पे हर सपोर्ट हब पे एक टीवी चैंपियन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे महिलाएं होती हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो उनको एक वो होता है कि मुझे टीवी हो गया है, तो उनको कोई साथ नहीं देता। पहले मेरे पे कुछ भी नहीं होता था, इतना सर में दर्द रहता था, इतना सर में दर्द कि मैं एक मिनट भी मेरे को समझ लो बस उठ नहीं पाती थी। मेरा नाम सपना देवी और मेरी उम्र है 24 साल की। जो इंसान एक दूसरे को सहारा दे दे बीमारी में और एक दूसरे को समझा सके अच्छी तरीके, उससे ज़्यादा दवाई की जगह पे ये काम कर जाता है। मीरा दीदी से इतनी हेल्प हुई है मेरी, उन्होंने मेरे को समझाया कि आप टेंशन से फ्री रहो और अपने आप को मजबूत रखो तो आप बहुत जल्दी सही होगी। आज मैं सारा काम कर लूँगी, मुझे किसी से कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि तुम करो। कितना भी काम होता है, दुकान का भी देखो मैं ही करती हूँ, घर का भी करती हूँ। अब मैं इतनी तंदुरुस्त हूँ बहुत, और मेरा कोर्स भी ख़त्म होने वाला दवाई का। यहाँ आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों से मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, मेरी बातों से उन पर असर होता है और उनका माइंड जो है चेंज भी होता है और वो ठीक होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बातों से ही ये ठीक हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है मुझे इस चीज़ से।